कहा जाता है कि सावित्री के पति को यमराज जब लेने आए तब अपने तप के बल पर और सूझबूझ से वो अपने पति को यमराज के फंदे से छुड़ा लाई थी। इसलिए बरगद पीपल की पूजा करते समय पतिव्रता सावित्री की कहानी अवश्य सुनी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि वट सावित्री का व्रत कैसे मनाया जाए। सुबेरे नहाकर सौभाग्यवती महिलाएं घर में पकवान बनाएं और 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की और पीपल की पूजा करें। पूजन सामग्री में गुलगुले, भीगे चने, रोली, मूली, धूप, दीप और गंगाजल मिला हुआ जल का लोटा साध लें। जल से सर्वप्रथम वट वृक्ष को सींच कर तिलक लगाकर पकवान चढ़ा दें। मूली बरगद पर लपेट कर 3 परिक्रमा करें। उसके बाद सुहागिन महिलाओं के साथ सत्यवान सावित्री की कहानी सुनें। घर पर सास को या बुजुर्ग महिला को बायना देकर पैर दबाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सोमवती अमावस्या वर्ष में 1 या 2 बार ही आती है। ये अवसर कई सालों में आया है, इसलिए पीपल की पूजा करके शिव पूजा का विधान है। इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र और भोजन दान करना चाहिए। अपने पितरों को याद करके अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। याद रखिए कि घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान करने के बाद ही आपकी पूजा सफल होगी। इसके विपरीत जो अपने बड़ों का अनादर करके सुख शांति की कल्पना करना व्यर्थ है। आप सभी के लिए सोमवती अमावस और वट सावित्री अमावस फलदायी हो। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.